हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी मैं हूं कसौल में और कसौल से मैं जा रहा हूं मनाली। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं मनाली का सारा अपडेट, क्या वहां पर काम चल रहा है, कैसी वहां की रोड्स हैं और क्या वहां की सिचुएशन है। बाकी यहां पर जो एक प्रॉब्लम हो रखी है मेन वाली, वो ये हो रखी है कि भाई यहां पर ना फ्यूल नहीं है गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि भाई जो रोड मंडी के साइड पर जो लैंडस्लाइड हुआ है उसकी वजह से ट्रक इस पार नहीं आ पा रहे हैं। तो आज जाके ट्रक आए हैं, यहाँ कसौल में भी आया, ऊपर जरी की तरफ जो पेट्रोल पंप है उस पर भी ट्रक आया है। तो वहां पर लगा हुआ है गंदा ट्रैफिक एकदम, कैसे गाड़ियां आई हुई है मैं चलो आपको के दिखाता हूं। तो जितनी लंबी लाइन पीछे थी उतनी लंबी लाइन आगे है, और यहां पर लगा हुआ है पूरा जाम। कुछ हो चुका है, कुछ हो गया है शायद यहां। तो गाइस ये देख लो आप, यहां पर मिल रहा है पेट्रोल, और कैसे लाइन लगी हुई है, कितनी भीड़ हो रही है। आज 3 दिन के बाद ऊपर आया है ट्रक पेट्रोल का, तो यहां पर लगी हुई है पूरी भीड़। ये गाइस आप देख सकते हो कैसे लोग यहाँ पर भीड़ लगा के खड़े हुए और तेल मिल रहा है। अंदर तो रखी बहुत ज्यादा भीड़, लेकिन लकीली मैंने परसों नरसों जब भी तेल था अवेलेबल मैंने डलवा लिया था यहीं इसी पेट्रोल पंप से। तो गाइज अब यहाँ से चलते हैं मनाली के लिए, सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज अब मैं पहुंच चुका हूँ भुंतर, और आप ये देख सकते हो ये आ गया मणिकरण चौक। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ मनाली की तरफ, वो है मनाली का रास्ता। तो चल के देखते हैं रास्ते में क्या क्या रुकावटें आती हैं, और आपको भी चल के दिखाता हूँ मनाली का फुल पावर रास्ता, सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज सबसे पहले तो आप ये देख लो, ये जो बाउंड्री है ये टूटी हुई है। ये इस वजह से टूटी क्योंकि ऊपर से पत्थर गिरे हैं, तो ये अभी भी सेफ नहीं है। अगर यहाँ पर बारिश हो जाए ना एक बार भी, तो ये सारे पत्थर नीचे आ जाएंगे, सारी मिट्टी बिल्कुल ही लूज है ये। तो आप ये देख सकते हो सबसे पहला मनाली का डिस्ट्रक्शन जो सबसे शुरुआत में मुझे दिख गया भुंतर क्रॉस करते ही। ये देख लो यहाँ से रोड नीचे की तरफ धंसा हुआ है, मैं आपको बाहर से चल के दिखाता हूँ एक बार। तो गाइस ये देख लो रोड कैसे टूटा हुआ है, और आगे की साइड और भी टूटा है। ये भुंतर से मैक्सिमम 7 किलोमीटर आगे हुआ है अभी, और आप ये देखो ये पूरा रोड नीचे की तरफ दब चुका है, और यहाँ से मतलब काफ़ी सारा पानी आया ऊपर से नीचे, तो इतना रोड नीचे जा चुका है अभी, देख लो इस साइड का। तो गाइस गाड़ी लेके 1 ही मिनट आगे चला था, और आप ये देखो ये दूसरा पैच मुझे दिखाई दिया है भाई। यहाँ पे तो पूरा कम से कम ये तो 8 फुट रोड नीचे चला गया, देखो खतरनाक रोड नीचे गया हुआ है बिल्कुल ही। अभी तो ये रोड्स बनने में 6 महीने तो लगी जाएंगे पूरा काम करने में, यहाँ से मनाली तक का पूरा रिस्टोर करने में। बाकी यहाँ पे दिक्कतें काफ़ी सारी हैं, आप ये देख सकते हो ये रोड गया हुआ है पूरा नीचे। तो भाई जिस हिसाब से, और ये देखो आगे ना पेट्रोल पंप भी है, तो आपको चल के आगे दिखाता हूँ कितनी ज़्यादा लंबी लंबी लाइन लगी हुई है वहाँ पे, बस गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो मेरी गाड़ी में तो हाफ टंकी है अभी, लेकिन देखता हूँ डलवा लूँगा, क्योंकि फिर बाद का पता नहीं, एक और बार बारिश हो गई, स्लाइड हो गई, रोड बंद हो गए तो बेकार हो जाऊँ भाई। फिर से 1 मिनट आगे चला हूँ, और आप ये देख लो भाई यहाँ पर भी पूरा रोड नीचे गया हुआ है, देखो। तो मतलब ऐसे जो पैच है ना, जो रोड धंसने वाले पैचेस हैं, ये मुझे लग रहा है काफ़ी सारे मिलेंगे रास्ते में। तो देखता हुआ चलूँगा, दिखाता हुआ चलूँगा, और बाकी ऐसे ही पहुँच जाऊँगा मनाली, तो चलते हैं। तो गाइस ये थे, आप देख सकते हो कि पेट्रोल पंप पे कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं पेट्रोल का, शायद डीजल जल्दी भर जाएगा, ये सारी पेट्रोल गाड़ियाँ हैं। एक बार चेक करता हूँ, अगर मेरा डीजल भर जाए तो बहुत बढ़िया बात है फिर तो। तो गाइस देखो लाइन तो बहुत लंबी लगी हुई है, लेकिन डीजल की लाइन बिल्कुल ही खाली है, कोई भी गाड़ी नहीं है, सारी पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं। पेट्रोल की गाड़ियों में ज़्यादा लंबी लाइन है, डीजल तो खाली है एकदम। तो अब मैं जल्दी से अपना डीजल फुल करवा लेता हूँ। 500 बस 500 का डलेगा, ज़्यादा का नहीं डलेगा, सबको डालना सर, सबको डालना बराबर देगा। तो 10 लीटर डाल दो, अगले पंप में डालना, 500 अगले पंप में डालना। अच्छा थोड़ा सा आगे डालते, कैश ही है, कैश ही डाल दो आप। तो गाइस आप देख सकते हो सिर्फ 500 रुपये का डीजल मिल रहा है, 5 लीटर सबको देना है इसलिए। तो भाई बहुत दिक्कत है यहाँ पे पेट्रोल डीजल की। अब इंतज़ार करते हैं जब नीचे रोड खुलेगा मंडी वाला, तब यहाँ पे चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। तो गाइस डीजल डल चुका है, मात्र 500 रुपये का डीजल डाला है, सोचो 5.61 लीटर आया है। चलो इतना भी डलिया काफ़ी है, अब यहाँ से चलाते आगे की तरफ, देखता हूँ अगर कोई पंप मिलेगा तो वहाँ डलवा लूँगा। पेट्रोल पंप आया, देखता हूँ यहाँ पर और थोड़ा 500 रुपये का डीजल डल जाए। तो गाइस आप ये देख लो 500 रुपये का डीजल और डलवाया मैंने, तो 2 पंप पे हो गए मेरे, 500 का 2 बार मैंने डलवा लिया, तो 1000 रुपये का डीजल डल गया, इतने में मेरा काम चल जाएगा। अभी आप टंकी देख सकते हो यहाँ पर है, तो ठीक ठाक फ्यूल है,
तो देते हैं इनको पैसे और चलते हैं अब यहाँ से। तो भाई ये देख लो कितने बड़े बड़े पत्थर रोड पर आकर गिरे हुए हैं, पूरा ऊपर से पहाड़ स्लाइड हुआ है, वहाँ से देखो उतना एरिया स्लाइड होके गिरा, इतने बड़े बड़े पत्थर पक गए इस रोड पर आके गिरे हुए हैं। देखो आप एक बार चेक करो, बाहर से दिखाता हूँ आपको, देखो अभी तो कम से कम 30 किलोमीटर दूर है मनाली, तब इतनी चीजें दिखाई दे रही है। तो गाइस सबसे पहले जो नेशनल हाईवे नीचे की तरफ बहा हुआ है ना, वो है रायसेन में, आप ये देख सकते हो रायसेन, यहाँ से 25 किलोमीटर के आसपास मनाली है। तो यहाँ मैं आगे आपको ना आगे चल के रोड दिखाता हूँ जो कि नीचे जा चुका है रिवर में। तो भाई ये थोड़ा रिस्की भी है, मैं थोड़ा बच के जाऊँगा यहाँ से। गाइस ये आप देख सकते हो यहाँ पर, भाई मैं कहाँ पर आके खड़ा हुआ हूँ मुझे खुद को नहीं पता, बिल्कुल एज पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से रोड नीचे ना चली जाए। ये देखो गाइस ये रिवर ने अपना पूरा रुख ही बदल लिया, इस साइड से बहने लगी, ये पूरा नेशनल हाईवे यहाँ से ढह चुका है, अंदर की तरफ जा चुका है ज़मीन के अंदर। और आप ये देख सकते हो ये सारी रोड ख़राब हो चुकी है। तो ये रायसेन के पास पहला पैच है जो मैंने आपको दिखाया है अभी, और ये अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ आज 18 अगस्त 2023। खतरनाक गाइस, खतरनाक माहौल हो रखा है एकदम। तो गाइस यहाँ से आगे चल के मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये साइड से जो डाइवर्जन कर रखा है रायसेन से। तो गाइस ये आ चुका है वो वाला पैच जहाँ से रोड को डाइवर्ट किया गया। तो गाइस ये आप देख सकते हो ये पुराना वाला हाईवे जो कहीं जिसका नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा, भाई पूरा रोड ही गायब हो चुका है, और ये रिवर ने अपना रास्ता बदल लिया। आप ये देख सकते हो ये आ गया थोड़ा कच्चा रास्ता। गाइज अगर आपने लाइफ में पहले ऐसी कभी मनाली की रोड्स देखी है ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ जल्दी से, भाई मैंने तो नहीं देखी आज तक कभी ऐसी रोड। तो गाइज ये आप देख सकते हैं ये दूसरा पैच आ गया है जो ख़राब है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ से भी रोड नेशनल हाईवे पूरा ढह चुका है, नीचे की तरफ आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पर भी नदी ने अपना रुख बदल लिया है, पूरा रास्ता बदल लिया है और रोड को कर दिया एकदम खजल। आप देख सकते हो गाइस ये तो फुल ऑफ रोडिंग बेटर है यार, यहाँ पर दिखाऊं देखो। और गाइस इसमें खतरा ये है ना, आप इधर देखो ये पत्थर जो है ना भाई, बारिश आएगी ना तुरंत चला जाएगा, ये टेम्परेरी रोड है जो बना रखा है बस। आप ये देख सकते हो रिवर इस टाइम तो शांत है और धूप निकली हुई है, लेकिन अगर बारिश हो जाती है ना तो इस रोड की सिचुएशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा ख़राब, गारंटी के साथ भाई यहाँ से पत्थर ही गिर जाएंगे, ऊपर से देखो ना आप कितने लूज पत्थर हैं यहाँ पर। तो ये टेम्परेरी रोड है जो मनाली जाने के लिए अभी इस टाइम बना रखी है इससे, लेकिन ये है कि आवागमन चालू है और लोग आ जा पा रहे हैं आराम से, तो कनेक्टिविटी है कम से कम। तो भाई ये था दूसरा ख़राब पैच जहाँ पर नेशनल हाईवे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, अब यहाँ से चलते हैं आगे। तो गाइस ये आ चुका है तीसरा पैच, आप देख सकते हो यहाँ पर भी काफ़ी रोड ख़राब हो गया है, थोड़ा रफ रोड हो गया, ये देख सकते हो आप, ये रोड नीचे आपको दिख रहा होगा रिवर में जो पड़ा हुआ है, ये रोड है जो सारा नीचे बह गया था हैवी रेनफॉल के दौरान। तो भाई ये था तीसरा ख़राब पैच, अब यहाँ से चलते हैं आगे। तो भाई ये देखो ये आ गया चौथा पैच जो रोड ख़राब हुई है, पूरी बह गई है नदी में। तो भाई कितने सारे पैच दिख रहे हैं यहाँ पर जहाँ पे मतलब तबाही बहुत ज़्यादा तगड़ी वाला डिस्ट्रक्शन आया, बहुत तगड़ी वाली तबाही आई है, आप ये देख सकते हो, पर रोड चालू हो चुका है ये अच्छी बात है। तो गाइस ये आ चुका है पांचवा पैच जहाँ पर रोड पूरा धस चुका था, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये पूरा रोड नीचे का गया हुआ है, मैं तो बिल्कुल एज पे खड़ा था भाई, ये देख लो। है कि नहीं भीषण तबाही भाई, भीषण तबाही है, भीषण तबाही, जगह जगह रोड चले गए भाई, रोड के रोड चले गए यार, ना जाने कितने सालों बाद ऐसा हुआ है। देखना ये मतलब आपने कभी ऐसे देखा ही नहीं होगा, मनाली में तो ऐसे हम लोग कहते थे कि भाई 100 की स्पीड पे गाड़ी चलती है मनाली जाते टाइम,
अभी देखो खड़ा हुआ हूँ लगा के ट्रैफिक में गाड़ी, जो अभी जीरो की स्पीड पे है भाई। तो भाई नेचर है यार, ये नेचर है भाई, नेचर के आगे इंसान क्या ही है, कुछ भी नहीं है यार, बेकार। तो भाई ये आया था एक खराब पैच, और भाई काफी ज्यादा खराब है पैच, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर है ऑफरोडिंग, गाड़ी नीचे लगने के भी चांसेस है, और बाकी रोड बहुत ज्यादा खराब है। अभी तो ये रोड देखो चल रहा है गाइस, लेकिन जैसी बारिश हो गई ना गलती से भी, तो ये रोड हो जाएगा एकदम खजल, फिर नहीं आ सकते आप इधर, ये रोड बह जाएगा यार। ये बहुत ही टेम्परेरी रोड है, कच्चा काटा हुआ है बिल्कुल, और इसको रिपेयर होने में ना जाने कितना समय लगेगा अभी, और बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा जितना हो सके। ये देख सकते हैं गाइस आप, मतलब रोड इतना ज़्यादा ऐसा मैंने कभी नहीं देखा भाई मनाली का रोड। तो गाइस ये आप चेक करो, एक और ख़राब पैच आ गया। अब तो मैंने गिनती करना छोड़ दिया भाई, ये आप देख सकते हो, ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब पैच है, बिल्कुल रिवर का पानी है देखो नीचे से जा रहा है भाई एकदम, आज तक ऐसा नहीं हुआ भाई, बिल्कुल ही हालत ख़राब हो गई है भाई। ये आप रोड चेक करो एक बार देखो। तो भाई ये रोड है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, देखो बिल्कुल रिवर ये रही यार, साथ 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 चल रही रिवर, पहले तो मनाली ऐसा लगता था उड़ते हुए जा रहे भाई, अब देखने ये रिवर साथ साथ चल रही बिल्कुल, ये देखो फुल ऑफ रोड भाई। कम से कम भाई 7 से 8 पैच ऐसे निकल चुके हैं जहाँ पर रोड पूरा बह चुका है, नेशनल हाईवे ढह चुका है एकदम, तबाही आ गई है, भीषण तबाही, फट्टे चक्के हो गई है भाई। और मनाली जाना इस टाइम मैं आपको यही कहूँगा कि भाई सेफ है, अगर बारिश ना हो ना आप वेदर कंडीशंस चेक करें उसके बाद मनाली जाएं, क्योंकि भाई अगर बारिश हो गई ना तो गारंटेड ये जितने पैच मैंने आपको दिखाए हैं ना भाई, इनमें से 4-5 तो ऐसे ही चले जाएंगे, बह जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल एज पर है, टेम्परेरी बनाए हुए हैं। तो भाई आप वेदर चेक करके आना मनाली, बाकी चलते हैं यहाँ से आगे, और मैं आपको आगे के भी अपडेट्स देता रहता हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। लो गाइस आगे एक और पैच जो कि बिल्कुल पुराने वाले जैसा है, खतरनाक और क्षतिग्रस्त। आप ये चेक कर सकते हो भाई, इतनी ऊपर थी ये रोड, कम से कम 10 फुट दिखाई दे रही है, कम 8 फुट तो होगी, 8 फुट ऊपर से ये रोड धस के कहाँ चली गई, सोचो गायब भी हो गई। गाइस कितना रौद्र रूप लिया हुआ है इस रिवर ने, देखो गाइस फुल पावर। तो गाइस ये आप देख सकते हो नैनो, जिसके ऊपर रोड की बाउंड्री पड़ी हुई है, और ये गाड़ी हो चुकी है ख़त्म, इसके अंदर मिट्टी भरी पड़ी है, और बाकी ये रोड भी आप देख सकते हो ये भी ख़त्म हो चुका है, और मेरा मनाली का रास्ता भी लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, तो यहाँ से चलते हैं आगे। स्टे ट्यून्ड, इन टैक्स वाला एरिया गाइस ये चेक करो, यहाँ पर आप दिया करते थे कभी टैक्स, जो कि अब आपको कम से कम 6 महीने तक तो नहीं देना पड़ेगा। और बाकी यहाँ से चलते हैं भाई, यहाँ पे हुआ है भाई भारी नुकसान हुआ है भाई यहाँ पे, ये देखो आपको भाई यहाँ पे अभी आपको उतर के चल के दिखाता हूँ भाई, ये ट्रक के ट्रक पड़े हुए हैं, ये गाड़ियों का मलबा पड़ा हुआ है, रोड एकदम खजल हो चुकी है भाई, बिल्कुल ही यहाँ पे सब खत्म हो गया गाइस, सब खत्म। तो गाइस ये जगह देख लो आप, अगर आप इस जगह को पहचानते हो, ग्रीन टैक्स बैरियर जो मनाली का आता था, पूरी तरह से यहाँ रोड खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है, गाड़ी आ रही है, एक्चुअली नदी उधर से जाती थी, पूरी रिवर इस तरफ आई, और आप देखो यहाँ से सब कुछ बहा के ले गई, और यहाँ पर इतनी गाड़ियों का ट्रैश पड़ा हुआ है ना भाई, मैं अभी आपको आगे चल के दिखाता हूँ, सारी गाड़ियाँ ट्रक्स बसेस वॉल्वो सब टूटे फटे पड़े हैं यहाँ पर, कटे पिटे पड़े हैं यहाँ पर। बाकी ये आप टैक्स बैरियर देख लो, यहाँ पे शायद 200 रुपये का लगता था टैक्स, मैं तो मनाली साइड मेरा आना कम होता है इसलिए मेरे को टैक्स याद नहीं, मेरे ख्याल से 200 रुपये का लगता था पहले जब मैं आता था। ये आप देख सकते हो इस साइड रोड भाई, रिवर सोचो वहाँ से कम वो 200-300 मीटर आगे है, और वहाँ से रिवर यहाँ तक आ गई भाई, और यहाँ से होती हुई निकली है रिवर, जो कि सारे रोड को अपने साथ बहाते हुए ले गई, मैं बच गया गिरते गिरते। ये देखो गाइस ये ट्रक का मलबा है, ये देख सकते हो गाइस आप, ये देख लो गाइस, ये रोड्स ब्रिजेस और लोहा लंगर जो भी है, गाड़ी उल्टी पड़ी है, किसी को गाड़ी का पंखा रेडिएटर वगैरह चाहिए और टायर वगैरह तो यहाँ से उठा के ले जाओ, क्योंकि भाई गाड़ी तो पूरी तरह खज्जल हो चुकी है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। बाकी आप ये देखो सब कचरा कुचरा पड़ा हुआ है। तो चलो गाइस अब यहाँ से आगे चलते हैं।
तो गाइज मिल तो रहा है यहाँ पर डीजल, तो जहाँ मौका मिले ना वहाँ भरवा लो, क्योंकि अगर कभी बारिश होती है, वेदर ख़राब होता है, तो भाई फिर से रोड वहाँ का ब्लॉक हो जाएगा। तो आप ना ये मत सोच रहे कि अब तो आ चुका है, ढीला मत छोड़ना, जहाँ आपको मौका मिले वहाँ पे डीजल डलवा लो, वहाँ पे पेट्रोल डलवा लो, वही ज़्यादा अच्छा है। तो गाइज़ यहाँ पर मिल रहा है 1500 रुपये तक का डीजल, मतलब 1000-1500, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो गाइज़ 1500 रुपये का डीजल डलवा लिया और हो गई है मेरी टंकी फुल, तो भाई बहुत बढ़िया बात हो गई है। अब यहाँ से चलते हैं मनाली, बस पहुँचने वाला हूँ 10 मिनट के अंदर अंदर मनाली पहुँच जाऊँगा गाइज़ मैं। तो भाई जस्ट मनाली से, मनाली आगे बोर्ड आया था 2 किलोमीटर पहले ही, आप देख लो यहाँ से तो रोड भाई फुल पावर ख़राब हो चुका है। ये जिमनी खड़ी हुई है नीचे, आप ये देखो भाई यहाँ से तो नीचे उतर के भाई ये तो पूरा ही रोड ही ख़त्म हो गया। आपको बाहर से दिखाता हूँ, ये चेक करो भाई, सोचो रिवर कहाँ से गई होगी जो ये रोड ही पूरा चला गया, नेशनल हाईवे बह गया भाई। जस्ट मनाली से पहले ही 2 किलोमीटर आगे मनाली है, और आप ये देखो ये रोड हो गया यहाँ से ख़त्म। तो भाई काफ़ी लंबा पैच था ये ख़राब वाला, और अब यहाँ से लग चुका है मनाली का यूजुअल रोड, रास्ता नहीं है। तो गाइस देखते हैं आगे चल के, मना कर रहे हैं वैसे तो, रास्ता नहीं है आगे जाने का। मैं देखता हूँ यहाँ से आगे क्या है और आपको भी दिखाता हूँ, अगर रास्ता बंद होगा तो फिर आऊँगा इस साइड से वापस। और क्या बंद है गाइस आगे रास्ता, चलो अच्छा है मैं आपको कम से कम दिखा पाऊँगा। जा रही है गाड़ी आगे, निकल जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, ठीक है गाइज। ये बता तो रहे हैं कि गाड़ी निकल जाएगी, चलो कोशिश करता हूँ मैं भी, बाकी आप देख लो। ये मेरे पीछे तो कोई भी गाड़ी आ नहीं रही है, लोग पीछे वाली साइड से जा रहे हैं जो सही रास्ता है, और ये रास्ता एक्चुअली ख़राब है भाई, यहाँ पे ना पत्थर गिर सकते हैं ऊपर से नीचे, इसीलिए लोग यहाँ से निकाल नहीं रहे। खतरनाक रोड है, खतरनाक, मैं आपको दिखाता हूँ देखो। गाइस यहाँ से ना पत्थर गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा है, आपको मैं साइड में दिखाता हूँ, पत्थर गिर सकते हैं यहाँ से कभी भी, बारिश में तो ये रोड बेकार हो जाएगी, देखो आप पत्थर देखो। और गाइस मेहनत को सब्सक्राइब कर दो कम से कम, ऐसे गाड़ी चलाना ना बहुत बड़ी बात और बहुत मुश्किल बात होती है भाई। ये देख सकते हो आप पीछे पत्थर और सामने ये रोड और ये रिवर, और फुल ऑफ रोड मामला आ गया, आपको दिखाता हूँ आगे, ऑफ रोड आ गया पूरा, गाज के ऑफ रोड आ गया गाइस। गाइस कुछ भी बोलो भाई, हैरियर में दम तो है भाई, इतना इतनी पावर है ना भाई इस गाड़ी में कि भाई किसी भी ऑफ रोड पर आराम से निकल जाती है बिना झिझक के। और इसमें जो मैंने टायर लगवाए ना ऑफ रोड वाले ऑल टेरेन के भाई, वो भी एकदम फुल पावर है, और भाई चलते आ गए यार, दिल खुश कर दिया भाई हैरियर ने। तो गाइस ये आ गया हिडिंबा देवी टेम्पल का रास्ता यहाँ से, और मुझे इस साइड जाना है क्योंकि मैं जा रहा हूँ आशापुरी विलेज होटल अपने फ्रेंड यश भाई से मिलने, और उनके साथ मैं शाम को निकलूँगा यहाँ पर, आपको और अपडेट्स दूंगा। तो चलते हैं यहाँ से सबसे पहले आशापुरी विलेज होटल और मिलते हैं यश भाई से। तो गाइज ये पहुँच चुका हूँ मैं आशापुरी विलेज होटल में, और यहाँ से एंटर करके अब मैं मिलता हूँ यश भाई से। गार्ड साहब आ गए, हाँ जी यकीन सर, हाँ मैं बात कर लेता हूँ एक बार, मेरा फ्रेंड है अंदर। तो गाइस आशापुरी विलेज होटल में मैंने रूम ले लिया है, और अब मैं चेक इन करके आपको एक बार रूम टूर करवा देता हूँ सबसे पहले। गाइस ये मेरा रूम है, ये वॉशरूम वार्डरूम, सुंदर सा रूम है, बालकनी से एक बार यहाँ से व्यू देख लेता हूँ, बढ़िया लगेगा तभी लूँगा, वरना तो मैं रूम चेंज कर लूँगा। गाइस व्यू तो फुल पावर है, आपको भी दिखाता हूँ, ये देखो ये बालकनी है, ये व्यू है यहाँ से, सामने पूरा मनाली है। और यश भाई से मैं चल के अभी मिलता हूँ, और फिर उसके बाद आपको आगे के अपडेट्स देता हूँ। तो गाइज नहा धो के हो चुका हूँ मैं बिल्कुल रेडी, और कपड़े मैंने वही वाले पहन रखे, क्योंकि भाई कपड़े, एक तो मेरे पास शर्ट पड़ी है उसको मैं आयन कर नहीं सकता, आयनिंग के लिए कुछ है नहीं, और बाकी मैं रेडी हो चुका हूँ, अब यहाँ से जा रहा हूँ नीचे यश भाई के पास। तो चलते हैं यश भाई से मिलते हैं सबसे पहले।
तो गाइस यश भाई आ चुके हैं साथ में। यश भाई क्या हाल चाल? बढ़िया भाई जी, बढ़िया। कैसे हो आप? सब बढ़िया यश भाई। और कैसा रहा आपका सफर? सफर तो बढ़िया रहा यश भाई, काफी रोड खराब है पीछे से मनाली का। जी, बहुत ही खराब है रोड तो। तो गाइस 18 अगस्त 2023, ये था कसौल से मनाली तक के रोड का अपडेट। और बाकी फर्दर मैं वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ मनाली टू सिसु, जिसमें यश भाई हमारे साथ रहेंगे। तो गाइज आगे के अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। मैं आपको मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।